सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आईपीएल 2020 की ट्रेड में एक और नाम जुड़ चुका है, सिद्धेश लाड हो चुके हैं ट्रेड। आज का वीडियो पूरा देखना, छोटा सा वीडियो रहने वाला है, सिद्धेश लाड की ट्रेड के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई आपको बता दिया जाए सिद्धेश लाड कौन है। बहुत कम लोग जानते होंगे सिद्धेश लाड के बारे में। सिद्धेश लाड अच्छे बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करते हैं। पिछले सीजन एक ही मैच खेला था इन्होंने मुंबई इंडियंस की टीम से। साल 2015 में मुंबई इंडियंस की टीम ने सिद्धेश लाड को खरीदा था ऑक्शन में, पर इनको पहला मैच साल 2019 के सीजन में मिला था। सो इनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही थी मुंबई इंडियंस की टीम की। अब ये ट्रेड हो चुके हैं मुंबई इंडियंस ने इनको ट्रेड कर दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में। कुछ देर पहले आईपीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर कंफर्मेशन आई थी, बट फॉर सम रीजंस वो कंफर्मेशन हटा दी गई है। मैंने फिर बहुत रिसर्च किया, यहां पर पता चल रहा है कि सिद्धेश लाड एक्चुअली में ट्रेड हो चुके हैं कुछ देर बाद, और आईपीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी। साथ ही में बात करें केकेआर की टीम से इधर कौन आया है, तो अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, कुछ आती है तो बता दूंगा। अभी तो मेरे पास 90% यही कंफर्मेशन आ रही है, 90% यही न्यूज आ रही है कि एक कैश डील है, पैसों में ये ट्रेड किया गया है। केकेआर की टीम से कोई भी प्लेयर इधर नहीं आया है। सो ये ऑफिशियल कंफर्मेशन मान लो आप कि सिद्धेश लाड मुंबई इंडियंस की टीम से ट्रेड हो चुके हैं और वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में चले गए हैं। कुछ भी अपडेट आती है कि कोलकाता से इधर कौन आया है, सो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको पिंड कमेंट में बता दूंगा। साथ ही मैं बात करें ना, तो अब अगर सिद्धेश लाड इधर आए हैं तो रॉबिन उथप्पा रिलीज होने वाले हैं। रॉबिन उथप्पा भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और उथप्पा और केकेआर के बीच में थोड़ी बहुत आप मान सकते हो कि बॉन्डिंग बिगड़ गई थी। उथप्पा चाहते थे कि वो रिलीज हो जाए, सो यहां पर उथप्पा का एज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट प्लेइंग 11 में सिद्धेश लाड आए हैं। उथप्पा बाहर जाएंगे और सिद्धेश लाड प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, क्योंकि लाड अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और उथप्पा रिलीज हो सकते हैं। मेरी तरफ से आज की वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट इतनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।